RSCIT मॉक टेस्ट 3 में आपका स्वागत है। निम्नलिखित मेमोरी में से किसकी प्रकृति विघटित प्रकार की है? सही उत्तर क्रमांक 1 होगा रैम। डेटा आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क के निष्पादन में सुधार करता है। उसका उत्तर क्रमांक होगा डिस्क डिफ्रेगमेंट। मेन्यू का उपयोग डॉक्यूमेंट की विषय सामग्री के आकर्षण को बढ़ाने के लिए करते हैं। सही उत्तर क्रमांक 3 होगा फॉर्मेट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? सही उत्तर क्रमांक 3 है एल्गोरिदम। कौन से उपकरण लोगों के समझने के जैसे कंप्यूटर द्वारा संसाधन करने लायक रूपों में परिवर्तन करते हैं? उसका सही उत्तर क्रमांक 3 होगा एक व दो दोनों, यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों ही होंगे। किसी फीचर को ऑन या ऑफ करने वाले कैप्स लॉक के जैसे कीबोर्ड की कुंजियों को क्या कहा जाता है? उत्तर क्रमांक 3 है टॉगल कीज। देखिए टॉगल कीज वे कीज होती हैं जो कीबोर्ड पर एक बार प्रेस करने पर जिनकी लाइट ऑन होती है और एक बार क्लिक करने पर लाइट ऑफ होती है। इनमें से कैप्स लॉक, नम्स लॉक और स्क्रॉल लॉक ये तीनों ही कीज टॉगल कीज का एग्जांपल है। शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर क्रमांक 3 होगा कॉम्बिनेशन कीज। इसके अंतर्गत ऑल्टर, कंट्रोल, शिफ्ट इत्यादि कीज काम में आती हैं। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेजी से कंप्यूटर गेम्स को खेलने में प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर क्रमांक होगा 1 जॉयस्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है? देखिए विजिप, पीकेजिप, विंडरार ये तीनों ही फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम हैं, यानी कि ये ओरिजिनल फाइल की साइज़ को छोटा बनाते हैं। रैपिड चौथा ऑप्शन ऐसा है जो कि फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं होता है। अतः उत्तर क्रमांक 4 इसका सही उत्तर है। 200 MB या 720 MB की क्षमता वाले डिस्क का उत्पादन सोनी कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है। सही उत्तर क्रमांक होगा ऑप्शन नंबर 2 हाई FD डिस्क। देखिए कुछ क्वेश्चंस को हमने पिछले मॉक टेस्ट से यहाँ पे रिपीट किया है ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन जो याद नहीं होते हैं वो बार बार रिपीट हो जाएं। डेटा आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क के निष्पादन में सुधार करता है। सही उत्तर क्रमांक 1 होगा डिस्क कैचिंग। गोलाकार हिस्से का नाम क्या है जिस पर संग्रहण माध्यम पर डेटा को लिखा जाता है? सही उत्तर क्रमांक 2 है सेक्टर। CDRW डिस्क का मतलब है? क्रमांक 1 सही उत्तर होगा CD रीराइटेबल। किस डिस्क की क्षमता 100 MB पर 250 MB या 750 MB है जो कि आज की मानक फ्लॉपी डिस्क की तुलना में 500 गुना अधिक है?
प्रश्न का सही उत्तर क्रमांक तीन होगा जिप डिस्क। इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल एमएस वर्ड में नहीं है? सही उत्तर क्रमांक एक होगा सब स्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस पी इस्तेमाल किया जाता है? डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल पी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। अतः उत्तर क्रमांक तीन दस्तावेज को छापने के लिए इस प्रश्न का सही उत्तर है। टेबल बनाते समय एमएस वर्ड में माउस पॉइंटर किस आकृति का दिखाई देता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर क्रमांक एक पेंसिल। एक बदलने योग्य स्टोरेज उपकरण है जिसमें बड़ी मात्रा में जानकारी स्टोर की जाती है। एक होगा हार्ड डिस्क पैक। डिस्क के लेबल पर 2HD का मतलब क्या होता है? और सही उत्तर क्रमांक दो होगा इसके दोनों तरफ और अधिक घनत्व, यानी कि आप इसमें दोनों तरफ लिख भी सकते हैं और इस सीढ़ी का घनत्व अधिक होता है, डेंसिटी। किसमें 120 MB की संग्रहण क्षमता होती है और एक मानक 3.5 इंच के फ्लॉपी डिस्क पर ड्राइव्स डेटा को रीड कर उसे स्टोर कर सकते हैं? क्रमांक एक होगा सुपर डिस्क। सीडी रोम का मतलब है? जी हाँ, सही उत्तर क्रमांक एक होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। निम्न में किसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशनों को चलाने की क्षमता रखता है? और पिछली क्विज में भी ये क्वेश्चन है, आपके पुनरावृत्ति के लिए इस क्वेश्चन को वापस से इस क्विज में शामिल किया गया है। उत्तर क्रमांक चार मल्टीटास्किंग इस प्रश्न का सही उत्तर है। रिक्त स्थान भरना है आपको। डेटा और प्रोग्रामों को स्टोर करने में प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर क्रमांक होगा दो फाइल। निम्न में से कौन एक समकेंद्रीय वलय है, यानी कि जिसका सेंटर एक ही है? मल्टीपल सर्किल्स हैं लेकिन उनका सेंटर एक ही है। और इस प्रश्न का सही उत्तर एक होगा ट्रैक। सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है, निम्न में से किसको सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर क्रमांक तीन होगा यूटिलिटीज। नीचे दिए गए ऑपरेटिंग सिस्टम में से किसमें ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं है? उत्तर क्रमांक चार एमएस डॉस। इस प्रश्न का सही जवाब है मीडिया। कागज पर पेंसिल के निशान की व्याख्या करने वाला ऑप्टिकल उपकरण है और इसका सही उत्तर क्रमांक होगा एक OMR। निम्न में से यूजर इंटरफेस को उपलब्ध कराता है, कंप्यूटर संसाधनों को नियंत्रण करता है और प्रोग्राम को चलाता है? दो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है? उत्तर क्रमांक चार होगा उपरोक्त सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम से संसाधनों का संचालन भी होता है, एप्लीकेशंस को भी चलाया जाता है,
और यह यूज़र इंटरफेस भी उपलब्ध कराता है। निम्न में से कौन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो साधारण रूप से प्रयोग किए जा सकने वाले एप्लीकेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं? और सही उत्तर क्रमांक 4 है आइकॉन्स। निम्न में से कौन विशिष्ट प्रोग्राम है जो निर्दिष्ट इनपुट या आउटपुट उपकरणों को बाकी के कंप्यूटर सिस्टम से संचार करने की अनुमति देते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब होगा एक डिवाइस ड्राइवर्स। बाइनरी संख्याओं में प्रयुक्त होती हैं। इस प्रश्न का होगा उत्तर क्रमांक 3 दो संख्या है, क्योंकि बाइनरी में केवल दो संख्या ही होती है 0 से 1। अगर हम संख्याओं की बात करते हैं तो एक बाइनरी नंबर होता है, एक ऑक्टल होता है जिसमें 8 संख्याएं होती है, डेसिमल में 10 होती है और एग्जैक्ट डेसिमल में 16 संख्याएं होती है। तो इस प्रश्न में आप चारों ही चीज़ें याद रखें। इनमें से कौन इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है? और इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर क्रमांक 4 SU। HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप है। प्रश्न का सही जवाब उत्तर क्रमांक 1 हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। यह प्रश्न हमने पिछले क्विज में भी पूछा था। TCP/IP का विस्तारित रूप है। सही जवाब होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। उत्तर क्रमांक 1 सही उत्तर है। विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु हम किस कमांड का यूज करते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब होगा शिफ्ट प्लस डिलीट। उत्तर क्रमांक 1 किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? उत्तर क्रमांक 2 F2। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? और उपरोक्त सभी इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम या OS मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है, प्रक्रिया मैनेजमेंट भी करता है और फाइल मैनेजमेंट भी करता है। बाइनरी प्रणाली में 4 को किस तरह से लिखा जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर क्रमांक 1 होगा 0100। ALU इस्तेमाल की जाती है। देखिए ALU का फुल फॉर्म भी आप याद रखें, एंड लॉजिकल यूनिट। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर क्रमांक 2 गणना हेतु DVD है। DVD एक स्टोरेज डिवाइस है, अतः इसका सही उत्तर क्रमांक 4 होगा। DHTML का विस्तारित नाम है। डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उत्तर क्रमांक 1 सही उत्तर है। टिम बर्न से ली द्वारा दी गई अवधारणा है। देखिए ये प्रश्न बार बार आ रहा है, आप इसको याद रखें। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर क्रमांक 1 www। कर्सर के दाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटाते हैं? और इस प्रश्न का उत्तर क्रमांक 3 होगा डिलीट। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? सही उत्तर क्रमांक 4 होगा कोई नहीं, क्योंकि दी गई तीनों जो ऑप्शन है ऊपर वाले लिनक्स विंडोज और मैक OS
ये तीनों के तीनों ऑप्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? सही उत्तर क्रमांक चार होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि नेटवेयर विंडोज एनटी सर्वर और विंडोज एक्सपी सर्वर तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। HTTP का विस्तारित रूप है और इस प्रश्न का सही जवाब होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्न में से किनके द्वारा प्रोग्रामरों द्वारा लिखे गए प्रोग्रामिंग निर्देशों को किसी भाषा में बदलते हैं जिसे कंप्यूटर समझकर उसका संसाधन करता है, यानी कि उसको कंप्यूटर ऑपरेट करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर क्रमांक तीन होगा भाषा अनुवादक या लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में निम्न के अलावा सभी शामिल है? उत्तर क्रमांक चार होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, क्योंकि ये एक पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है जिसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। निम्न में से बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को उसके आंतरिक स्रोतों के उपयोग में सहायता करता है। और इस प्रश्न ASCII का विस्तारित रूप है उत्तर क्रमांक दो, इसका सही उत्तर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज CISC का मतलब है। देखिए जितने भी शॉर्ट एब्रिविएशन आ रहे हैं आप उनको दो तीन बार रिपीट कर लें। प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर क्रमांक दो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और अब आखिर में सभी वीडियोस की तरह ही आने वाले नए वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। साथ में ही अब हम कुछ वीडियोस इंटरनेट न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में और कुछ गूगल ड्राइव्स के बारे में, कुछ पावर पॉइंट MS वर्ड और एक्सेल के एडवांस लेवल के वीडियोस डालेंगे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आपके मेल के ऊपर उन नई न्यू अपडेशंस प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद।